जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये वीडियो जो बनाने का मकसद था, ये सिर्फ जो हमारी सोसाइटी में आज जो गंद फैली है एक वायरस की तरह, वो वायरस को नज़रअंदाज कर रहे हैं हम लोग। हम देखकर भी अनजान बन रहे हैं। हमारे पड़ोस में कोई बच्चा ड्रग्स लेते हुए दिख रहा है, मगर फिर भी हम अनजान बन रहे हैं। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई हम लोगों के सामने, पुलिस साथ नहीं दे रही है, ये नहीं दे रही है। पुलिस वाले खुद जो है बता रहे, अगर कहीं से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है हम लोगों को दें, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। मगर हम जो है नहीं, पुलिस के चक्कर में गए को जाना, ये बच्चों के चक्कर में गए बोले तो हम लोगों को कुछ खतरा हो जाता। ये सब चीज़ें देखते हुए जो खामोशी इख्तियार करके आज जो वायरस की तरह ये चीज़ को एकदम बड़ा बना दिया गया, फिर भी हम नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। इसीलिए सिर्फ ये आवाज़ उठाने का मकसद मेरा ये है कि मेरे से आवाज़ उठी, इसको सब अपने अपने तौर से किस तरीके से काम करना चाहें, उनको सिर्फ जगाना था। सर आपको क्या लगता है, आप कितने नौजवानों को बता सकोगे? क्योंकि बेंगलोर में अगर हिसाब देखने गए तो बहुत से तादाद में जो है नौजवान ड्रग्स में घुस चुके हैं, और शायद आपकी आवाज़ जो है लोग बदल पाएंगे। बचाने वाली जात मेरी नहीं है, बचाने वाली जात ऊपर है। वो जात से हम भरोसा रख के हम आवाज़ उठाएंगे तो शायद मेरी एक आवाज़ वो गूंज कर लाखों की करोड़ों की तादाद में गूंजे और काम करे। सर इससे पहले कभी आपने कोशिश की है, या आपने किसी नौजवान को पकड़ कर उनको रिहाब भेजा है, या उनको चेंज करने की कोशिश आपकी तरह से हुई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये चीज़ जो है तकरीबन 10 साल से ये चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने ये माहौल देखा, मैं बच्चों को काउंसलिंग करने की कोशिश करता था, क्यों आपके माँ बाप जो है कितनी तकलीफ पड़ते हैं, कुछ तभी एक उसको काउंसलिंग करने की कोशिश करता था। मगर यहाँ पे जो है रिहैब सेंटर्स एक या दो या तीन या चार, अब तादाद ऐसी है कि आप कितनों को लेके जाके रिहैब सेंटर में डालेंगे। अब यहाँ पे हम आप करो आप करो आप करो के चक्कर में जो है इनको अनसुना करके, इनको नज़रअंदाज करके आज जो है ये इतनी बड़ी शक्ल में बना हुआ है। हम आवाज़ उठाएं, करने वाली जात तो ऊपर है ना। वीडियो के अलावा और क्या पहल चल रही है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी सोशल सर्विस करने की कोशिश अल्लाह जितनी मेरी इस्तेदाहत करा है उस हिसाब से जो है हम लोग सोशल सर्विस कर लेके जा रहे हैं, और मैं ज़्यादातर जो है यही चीज़ों पे कर रहा हूँ, क्योंकि आज ये चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। सर इसका जिम्मेदार कौन है सर, इस तरह के आदि जब हमारे नौजवान बन रहे हैं? हम जिम्मेदारी किसी और को नहीं ठहरा सकते, हम जिम्मेदारी उस जो बच्चा ख़राब हुआ है उनके माँ बाप को देंगे। अब अगर आप बोलेंगे कि बाहर गया बिगड़ गया, ये बात नहीं है ना। हम अपने तरफ से ये सफाई नहीं दे सकते ना। हम काम क्या करें उसकी इस्लाह करने के लिए, हम कितना उसके पीछे जद्दोजहद करें, ये मायने रखता है ना। जब बच्चा अपने गोद से उतर के जब बाहर चलना फिरना शुरू करा, आप जो है गलत सही का उसको आप नसीहत करके रहते, हराम हलाल की तमीज़ दे के रहते, तो वो ये चीज़ों में मुब्तिला नहीं होता था। आज ड्रग्स की तरफ से बच्चे जो है फांसी ले रहे हैं, ट्रेनों के पास जाके अपनी जान गंवा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ड्रग्स लेना ही एक सुसाइड है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? किसके पास जाएगा बच्चा?
अपने घर से ही तो निकला था, उसका ख्याल किसने रखा? जब वो घर से बाहर निकला तो आपने कभी उसको पूछा कि बेटा आप इस हालत में क्यों आए हो? आपकी आंख जो है आज चेंज लग रही है, आपके अल्फाज आज बदलते हुए लग रहे हैं, कभी हमने पूछा? तो हम जिम्मेदार बाहर वालों को क्यों ठहराएं, किसी को भी क्यों ठहराएं? हम अपने बच्चे को हम खुद नहीं देख सके तो हम दूसरों को क्या जिम्मेदारी इसके ऊपर जिम्मेदार ठहराएं कि बाहर उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया? भाई तुम्हारा बच्चा है, पहले तुम कुछ करने की कोशिश करो ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है किसी से भी रابطہ करो, अपने बड़ों से रابطہ करो, जो आपको जो है ये चीज़ के बारे से निकाल सकता है उसको रابطہ करिए आप। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपका आवाज़ उठाना और आपका जिस तरह का बैकग्राउंड है, जिस तरह में आप जिस माहौल से है, आपको लगता है कि आज बेंगलुरु के नौजवान आपकी बात पर अमल करेंगे? क्योंकि बेंगलुरु में हर एक जो है आपको जानता है। बेशक इसको तो मैं झुठला नहीं सकता, मगर हर किसी को एक मौका देती है ज़िंदगी, मुझको भी एक मौका मिला है। मैं ये आवाज़ जो है कुछ कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आवाज़ उठाया सिर्फ ऊपर वाले की पकड़ में ना आने के लिए। और मेरे दिल में ऐसा है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो है बहुत साल अपने दूसरी चीज़ों में ऐसा वैसा गुजारे हैं, मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ। क्योंकि आज हमारी जो यंग जनरेशन है उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको दिलासे की ज़रूरत है। धुतकारेंगे तो वो जो है पलट कर आपको वायरस की तरीके से ही आपके सामने आएंगे। आप अगर उनको जो है उनको रास्ता दिखाकर इस चीज़ से निकालने की कोशिश करेंगे, थामेंगे तो कुछ होगा। अगर जिस्म में एक फोड़ा है तो अगर उसको काटते जाएंगे तो आप कहाँ से बचेंगे? हमको उस जहाँ पे भी वो ज़ख्म हुआ है उसको क्योर करने के लिए कुछ साजो सामान ढूंढना पड़ेगा और ऊपर वाले से मदद मांगनी पड़ेगी। सर गांजा पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, अगर मैं उसको जाके बचाऊंगा, अगर मैं उसके साथ बात करूंगा तो कहीं वो मेरे ऊपर हमला ना कर दे, इस तरह का लोगों में डर बैठा हुआ है। भाई लोग जो है अगर जाके एकदम से ही किसी को अप्रोच करेंगे, आज जो है अगर कोई गलती कर रहा है, गांजे वाले का छोड़ दो आप, ड्रग एडिक्ट का छोड़ दो, अब समझो कोई बच्चा गलती कर रहा है, रोड पे साइकिल चलाया बच्चा, साइकिल उसने व्हीली करी, बाजू वाले ने उसको डराया और भिजा दिया, तो उसके घर वाले आके उसको पूछेंगे आपने क्यों डराया भाई? ये हमारा माहौल हो गया भाई। अगर हर बच्चे को हम अपना बच्चा समझ के उसको जो है हम भी जो है उसकी इस्लाह के लिए काम करेंगे, वो सही हो जाए, गलत ना करे, हम भी ऐसे ही काम करेंगे तो रास्ता जो है सही ही मिलेगा। आप डायरेक्ट क्यों जाए? आज वो माहौल नहीं है कि ड्रग एडिक्ट के पास आप डायरेक्ट जाओ, आ भाई देखो मैं रास्ता दिखाता हूँ। भाई आप उसके माँ बाप से बात करो ना, क्या तकलीफ़ है, क्यों उसको जो है रिहैब सेंटर आप नहीं भेज रहे हो, क्या मसला है? हम कुछ अपने चंद दोस्तों से कुछ मदद कर सकते हैं क्या आपकी? मस्जिदों से कुछ मदद कर सकते हैं क्या आपकी? आप उससे सवाल तो करिए। आप डायरेक्ट जाके उस बच्चे को पूछेंगे तो वो आपके ऊपर ही आएगा ना। हिकमतन अगर आप काम करेंगे, आपके दिल में रहेगा कि हाँ मैं जो है ये बच्चे को सही करने के वास्ते काम कर रहा हूँ, तो कोई भी ऐसी चीज़ आपके ऊपर मुसल्लत नहीं होगी। सर काम करेंगे, आपने बताया कि काम हिकमतन करना है, कैसे करना है? क्योंकि हमारे कौम में तो तंजीमों की तो कुछ कमी नहीं है, किस तरह करना चाहिए एरिया वाइज या आपके जहन में?
कुछ इस तरह की? पहले तो देखो भाई, हमारे पास रिहैब सेंटर्स के इदारे कम हैं। मैं मदरसों से ये भी कहूँगा कि अगर आपके पास कोई जगह है उसको सिक्योर बनाएं और बना के वहाँ पर इन बच्चों को जो है तरबियत करें। अब जो है यहाँ पे अगर हम ये सोचें कि वो करना है, ये करना है, फलाना लीडर करना है, हमारी जिम्मेदारी हम खुद निभाना है। हम अगर चार लोग मिलें एक बच्चे का भला कर सकते हैं। अब ये जो है आप गवर्नमेंट के सामने भी मुद्दा रखिए, उनसे भी रब्ता करिए, ये क्या करना है, इसके पीछे कैसा रिसर्च करना है, ये सब चीज़ें जुड़ेंगे तो काम होगा, अलग अलग रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सर क्या पैगाम देना चाहोगे आप? मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि जो भी बच्चे जो ड्रग्स में मुब्तिला हैं, जो नहीं हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन तक जो मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन लोगों से मेरी एक दिली गुजारिश है कि अपने माँ बाप का सोचें, खुद का सोचें और सोसाइटी का सोचें। जब अपना सोचेंगे तो अपने माँ बाप का सोचेंगे, भाई बहन का सोचेंगे, और जब अपने भाई बहन का, माँ बाप का सोचेंगे तो फिर जाके सोसाइटी का सोचेंगे। आपको एक गलत नज़रिए से देखा जा रहा है, इस नज़रिए को सही करने का सही करने की जिम्मेदारी आप पर है। आप खुद सरेंडर होइए। जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, कोई दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकता।